आम लोगों के लोकतंत्र का सबसे बड़ा संवाद या उसका संसद चौक चौराहों पर, रेहड़ी पटरियों पर उसकी चाय की दुकान होती है। न्यूज़24 शाम के वक्त में चाय की दुकान पर यहाँ आम लोगों के बीच में है और ये जानने के लिए आया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर कौन किस पर भारी है, क्या वो चुनावी मुद्दे हैं जो बीजेपी की तरफ से गढ़े जा रहे हैं, विपक्ष उसका क्या काट है, क्योंकि जातीय जनगणना कहा जा रहा है कि विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक होगा, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी, उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर के दामों में कमी, महिला आरक्षण बिल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 2024 और होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की डगर तय करेंगे। आम लोगों के बीच है न्यूज़24 और उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार, बोलिए। ये बताइए कि अभी उज्ज्वला योजना में 100 रुपये और सब्सिडी बढ़ा दिया गया, 600 रुपये में मिलेगा जी, तो पेट्रोल डीजल का दाम हाल के दिनों में कम गया है, तो लोग पूछते हैं या लोगों के मन में विचार आता है कि चुनाव के वक्त ही आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या इस तरीके से चुनावी जीत मिलना आसान होती है? देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सरकार एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव के पहले चुनाव के बाद ये सब राजनीतिक शब्द हैं और कम से कम आप पत्रकार होकर आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि चुनाव से पहले कम कर दिया। आपको स्वागत करना चाहिए कि सरकार ने 100 रुपये स्वागत हम क्यों करेंगे भैया? क्यों, आप जनमानस नहीं है क्या? नहीं, जनमानस नहीं, हमारा काम सिर्फ हमारा काम सवाल पूछना है कि आम लोगों के हित में है या इसके खिलाफ। आपका क्या नाम है? ऋषिकेश कुमार जी, आप जनता से अलग कैसे हैं मुझे बताइए। अरे जनता से पूछ रहे भैया कि महंगाई को लेकर आप परेशान है, आप कहाँ से हो भैया? दिल्ली से है। भाई साहब बोल रहे सही है, बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल न पूछे। बिल्कुल, तो बेरोजगारी और महंगाई की तो बात ही नहीं की आपने। मैंने आपसे कहा कि 100 रुपये और कम कर दिए चुनाव के वक्त में। स्वागत करिए, धन्यवाद कहिए सरकार को। आप मैं धन्यवाद क्यों कहूं भैया? धन्यवाद वैसे भी कम हुआ है, सिलेंडर पे भी 200 रुपये कम हो रहा है उसका। लोकतंत्र में ये बताइए कि चुनाव के वक्त में पेट्रोल डीजल का दाम कम करना ये चुनावी सी गुफा है? वोट लॉकडाउन में फॉरनर कंट्री में सारा काम ठप पड़ा था, यहाँ लॉकडाउन में भी रात दिन काम हुआ। प्रगति मैदान देखो, लंदन बन गया, लोकसभा देखो जाके नया बन के अरबों करबों के रुपए लग गए वहाँ। ये काम मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन देश का काम हुआ। इसलिए मोदी जैसा बंदा नहीं मिलेगा, जो योग तक नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की किताबों में आज भी ये नहीं पढ़ाया जाता है, आज भी वहाँ इंडिया को इंडिया नहीं बोला जाता, भारत बोला जाता है। यहाँ भारत का शब्द आ गया तो शिबू का उठ गया, ज्वार भाटा आ गया क्या भाई? ये गुलामी का प्रतीक इंडिया, इसको कब तक ढोएंगे, क्यों ढोएंगे बताइए? हम ये हमारे देश की जो पहचान है, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार की इंटेंशन क्या है। भाई साहब मेरा सवाल ये है कि क्या चुनावी साल में पेट्रोल डीजल, गैस सिलेंडर या फिर आप जातीय साल में भोजन नहीं पकाएंगे क्या, गैस का उपयोग नहीं करेंगे क्या, तो चुनावी साल इसमें कहाँ गई? रोजमर्रा के मुद्दों में चुनावी साल नहीं होता है, ये रोजमर्रा का जीवन है। अच्छा, जो रोज जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं। आप नौकरी करते हो? जी जी सर। कहाँ से हो आप? इनसे वो बुलवा लीजिए जो आप सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही का पूछ लेता हूँ। आप ये बताओ कि इस तरीके के जो पेट्रोल डीजल का दाम है या फिर जातीय जनगणना हो रही है, ये चुनावी साल में होता है या फिर ये सरकार की प्रक्रिया है? नहीं नहीं सर, ये तो होता ही है, रेगुलर चुनावी दौर का कोई नहीं ऐसा लग रहा है। वो तो जब मर्जी कम ज्यादा हो जाता है, वो तो हाँ ऐसा होता ही रहता है। सरकार सही है, हमारी मोदी सरकार सही है। जहाँ तक 2024 में क्या होगा, 2024 के सर देखो समय बताएगा, वैसे वो तो हमें भी नहीं पता ना आपको। हाँ। कल का भी नहीं पता ना क्या होगा, नहीं सरकार क्या फैसले ले ले। अच्छा। लेगी तो जनता के हित में ही, और अब तक जितने भी फैसले लिए हैं सारे जनता के हित में लिए हैं, कुछ गलत काम तो हुआ नहीं है। अच्छा, ये जातीय जनगणना जो हो रही है अलग अलग राज्यों में, उसका कुछ लाभ होगा, उसके उस पर आप लोगों की क्या राय है? तो कह रहे हैं ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है हो गया है ना, ठीक हो रहा है। हाँ ठीक हो रहा है। कुछ और लोगों के बीच चलते हैं और जानने के लिए कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव में आखिर क्या आम लोगों के मुद्दे होंगे, क्या आप लोग कहाँ से भाई साहब? हाँ अरे कहाँ से हो? मैं तो बुलंदशहर से। यूपी जी, क्या चल रहा है 2024 में, क्या होगा 2024 में? जो है मोदी का ही वो चल रहा है, मोदी जी। अच्छा, और ये जातीय जनगणना अभी अनुप्रिया पटेल ने मांगा आपके यहाँ, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप सामान्य वर्ग से हो या ओबीसी हो? हम तो जो है एससी वर्ग से हैं। एससी वर्ग से हैं, तो ये बताओ देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना, अरे जात आपका, जात कितना है,
कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, आवास योजना का क्या होगा, सिलेंडर मिले तो किसको कितने अनुपात में मिले, ये तो होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, आप भाई साहब आप कहाँ से? मैं